नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज आप लोगों को बताऊंगा मैरीगोल्ड की खेती के बारे में, यानी गेंदे की खेती के बारे में। गेंदे की खेती के दो फायदे हैं। एक तो ये कि आपको अच्छी खासी इनकम गेंदा देता है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस खेत के अंदर निमाटोड की दिक्कत हो, वहां पर अगर आप गेंदे की खेती करते हैं तो उससे निमाटोड खत्म हो जाता है। तो शुरू करते हैं गेंदे की खेती के बारे में बातचीत। सबसे पहली और जरूरी बात आप समझ लीजिए कि गेंदे के दो प्रकार के बीज आते हैं, यानी आगे किस्में तो बहुत हैं, लेकिन बेसिकली हम उन्हें दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक अफ्रीकन गेंदा और दूसरा फ्रांसीसी। इन दोनों के अंदर बहुत सारी वेराइटीज आगे आ जाती हैं। पूसा ने बहुत सारी वेराइटियां ईजाद की हैं, उनको आप चूज कर सकते हैं। और भी बहुत सी जो है वेराइटियां हैं मार्केट में, जो भी आपको अवेलेबल हो आसानी से और सही रेट में अवेलेबल हो, या जो खेती आपके आसपास हो रही हो, उस गेंदे की किस्म को आप जो है चूज कर लीजिए। अब इसकी खेती करनी कैसे है? सबसे पहला काम आपको यह करना है कि ऐसी ट्रे लेनी है, इनके अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डालकर इन्हें फिल कर लेना है, और फिर इनके अंदर जो है गेंदे की नर्सरी तैयार कर लेनी है, यानी गेंदे के बीज इनके अंदर लगाकर छोड़ देने हैं। एक महीना लगेगा इसके अंदर पौध तैयार होने में, और इस एक महीने के दौरान आपको क्या करना है? अब जिस खेत के अंदर लगाना है उसके अंदर आप 8 से 10 टन गोबर की खाद डाल लीजिए, उसके साथ साथ 400 किलो SSP डाल लीजिए, 250 किलो यूरिया खाद जो है वो डाल लीजिए, और उसी के साथ साथ 1 क्विंटल यानी 100 किलो MOP डाल लीजिए, और इस खेत को अच्छे से जोत कर छोड़ दीजिए और इसके अंदर पानी लगा दीजिए। और उसके बाद में आप लोग इसके अंदर जो है पौधे जो आपने लिए हैं उनको रोप दीजिए अच्छे से जुताई करने के बाद। ये जो पौधे लगाएंगे इनके बीच में प्लांट से प्लांट की दूरी जो है वो जो अफ्रीकन वेराइटी है उसके अंदर तो आपको रखनी है प्लांट से प्लांट की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर। और इसी के साथ साथ अगर फ्रांसीसी वैरायटी के लगा रहे हैं तो आपको प्लांट से प्लांट की दूरी भी 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी 20 सेंटीमीटर जो है रखनी है। इस हिसाब से आप जो है इसके पौधों को लगा लीजिए। और इसके बाद में 30 से 35 दिन बाद, पौधा रोपने के बाद 30 से 35 दिन बाद आप जो है इसको पिंचिंग करनी शुरू कर दीजिए, यानी पौधे के ऊपर वाले टिप को तोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, पौधे के अंदर शाखाएं बढ़ेंगी और ज्यादा शाखाएं लगेंगी तो ज्यादा फूल खिलेंगे। और उसके बाद में लगभग 60 दिन बाद, यानी रोपाई के 60 दिन बाद, पिंचिंग के 30 दिन बाद जो है लगभग आपको हार्वेस्टिंग शुरू कर देनी है। और रही बात कि कौन से टेम्परेचर में होता है, अब अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग मौसम में वहां पर बुआई होती है। लगभग 14.5 डिग्री कम से कम टेम्परेचर और 28 से 29 से 30 डिग्री तक जो है हाईएस्ट टेम्परेचर, जिस मौसम में आपको लगे कि ज़्यादा टाइम यही टेम्परेचर रहता है, उस मौसम में आप इसे उगा लीजिए। वैसे गेंदे की खेती पूरे भारत में लगभग साल भर होती रहती है, लेकिन हाँ, त्योहारों का सीजन, शादियों का सीजन वो होता है, तो उसके अंदर जो इसके रेट हैं वो थोड़े ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने गेंदे की खेती के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। अब इतनी सी बात है कि डिजीज़ तो डिजीज़ के अंदर आती है, कई प्रकार के चेपे की, जू की, इन सब की दिक्कतें आती हैं, वो अलग अलग एरिया में मौसम के हिसाब से आती हैं, तो वो आप थोड़ा थोड़ा चेक करते रहिए। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है ऑर्गेनिक करना चाहते हैं तो नीम ऑयल की स्प्रे कर दीजिए, और अगर आपको कोई उसी टाइम मतलब इंस्टेंट रिजल्ट मिले, कुछ ऐसा करना है तो आप उसी टाइम जो है किसी भी प्रकार का केमिकल पॉइजन, जो भी पेस्टिसाइड वगैरह है, वो आप लाकर और उसके ऊपर उसके स्प्रे कर दीजिए। उसकी रिकमेंडेशन जो बोतल के ऊपर लिखी हो, या फिर जो आपको एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट जो वहाँ पे दुकान पे आपको बैठा है, वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड मुहैया कराने वाला, उससे आप बात कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसी के साथ साथ हमारे झींगा फार्म की वीडियो आप देखना चाहते हैं और भी कई प्रकार की खेती की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। देखते रहिए ABC इंडिया।